नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। 29 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। शुरू करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसके पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही उत्तर है ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है, जिसका नाम वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर दो दक्षिण अफ्रीकी भंडार, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किए जाएंगे। ये भंडार इस धन का उपयोग अभयारण्यों में काले गैंडे के संरक्षण के लिए करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी टीबी लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल या चीन। सही उत्तर है बी, भारत। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व टीबी दिवस पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू एरा डी टीबी नाम से टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान का शुभारंभ किया। ये एक व्यापक टीबी कार्यक्रम होगा, जिसमें भारतीय तपेदिक जीनोमिक निगरानी कंसोर्टियम, भारतीय टीबी नॉलेज हब, वेबिनार श्रृंखला और टीबी के खिलाफ मेजबान निर्देशित उपचार और अतिरिक्त फुसफुसीय टीबी के इलाज के लिए साक्ष्य आधारित प्रक्रिया शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? हमारे ऑप्शन से 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जुलाई या 5 अक्टूबर। सही उत्तर है डी, 5 अक्टूबर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है। इसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इसको नामित करने का निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के द्वारा लिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार मंत्रालय को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाह और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व में सुधार हो सके। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं INS वलसुरा, INS गोमती, INS ब्रह्मपुत्रा या INS बेतवा। सही उत्तर है INS वलसुरा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के लिए 1942 में उन्नत टॉर्पीडो प्रशिक्षण की सुविधा बनाई गई थी। भारत के गणतंत्र बनने के बाद 1 जुलाई 1950 को इसका नाम बदलकर INS वलसुरा कर दिया गया। राष्ट्रपति का रंग शांति और युद्ध दोनों में ही राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई पर प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? ऑप्शंस हैं G20, यूरोपीय संघ, G7 या नाटो। सही उत्तर है बी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा ने यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, भारत, जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और श्रीलंका के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पर बात की। गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा डिजिटल वातावरण में विश्वास को मजबूत करने का उद्देश्य, उच्च डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करना है। छठा प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, गुजरात। सही उत्तर है डी, गुजरात।
नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य में पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अगर इसमें पहले पांच राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु और हरियाणा भी शामिल हैं। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मेनली गंगा डॉल्फिन के सहित ही डॉल्फिन संरक्षण का ये एक अभिन्न जागरूकता फैलाने वाला कार्यक्रम है। भारत में ज़्यादातर गोंगेज डॉल्फिन डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति है। ये असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती है। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन से 3.6%, 5.6%, 4.6% या 6.9%। सही उत्तर है सी, 4.6%। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण भारत को ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे इसकी कीमतों में उछाल आ सकता है। साथ ही व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता की चिंता जैसे कारक भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं सलमान खान, रणवीर सिंह, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ। सही उत्तर है बी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अबू धाबी के यस आइलैंड की बात करें तो ये दुनिया के बेहतरीन एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है। रणवीर यस है खास के वीडियो के जरिए यहाँ की खूबियों और एडवेंचर से भरपूर जर्नी की झलक दिखा रहे हैं। साथ ही ये इस वीडियो के जरिए यस आइलैंड की खासियतों के बारे में भी बात कर रहे हैं। दसवां प्रश्न है, हाल ही में किसने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया। ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के खिलाड़ी को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया। पीवी सिंधु ने 49 मिनट में फाइनल अपने नाम किया और ये इस सीजन की बात करें तो इनका दूसरा महिला एकल खिताब है। 11वां प्रश्न, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑप्शन है नीलेश कबराल, रवि नायक, सुभाष सिरोडकर या प्रमोद सावंत। सही उत्तर है डी, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक हैं। साल 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बनी तो इन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। फिर पर्रिकर के निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले पाए थे। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से इनमें से किसे कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन है सोइचिरो होंडा, हिसाशी ताकेची, युसाकू मिजावा, शिगेरु मियामोतो। इसका सही उत्तर है हिसाशी ताकेची।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसने हिसाशी ताकेची को 1 अप्रैल 2022 से नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 को केनिची आयुकावा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ताकेची साल 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ साथ विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में काफ़ी लंबे अनुभव के साथ वे अप्रैल 2021 से संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी के बोर्ड में हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल पर और रोज़ के करंट अफेयर्स से अपडेटेड होते रहिए। धन्यवाद।